रोपा लगाने के लिए निकली सीधी भर्तियाँ, इच्छुक लोग संपर्क करें। तो कहाँ निकली है बताओ तो अपना कहा। अरे हदैया, जो ही उम्मीदवार इच्छुक हो तो अपना तो पढ़ के सुनाई ना। हाँ तो हम बताए रहे। हाँ, बताई 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 हम यह कहें कि जो भी उम्मीदवार इच्छुक हो तो अपना आधार कार्ड ले ले और आर पार का पन्ही लेकर और बगीचा के खेत में सुबह 7 बजे पहुँचे। पर 7 बजे कहा लागे कि पहुँचा है, में लिखा है तब फिर कल 7 बजे पहुँच के इंटरव्यू दे। 7 बजे फिक्स है? 7 बजे में फिक्स लिखा है। न हो चला जाए। फोन बहुत दिन से परेशान आए, कहाँ अरे ये बगीचा के पीछे। तो ठीक है, बता दे सुबह 7 बजे बता दे उनका फोन लगा के कि पहुँचे कहा। नहीं तो फिर अब उनका बता दी है कि अपना आधार कार्ड आर पार के जूता लेके आई है। नहीं तो फिर जो भगा दे हैं साहब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हेलो लाला, फॉर्म जगह निकली है भर्ती के तो फॉर्म भर देना। कहाँ निकली फूफा? काल बगीचा के बगल वाले खेत में इंटरव्यू हो कहा तो चले है। हाँ फूफा, हाँ ठीक है ठीक है। 10 दिन के सीजन है तो आप पीट ले पैसा कमाए को होता। हाँ हाँ ठीक है, पहुँच जाओ कल। बाद में फोन लगाई थे। ठीक है, हो गया जाई थे हो गया है। रोपा लगाने के लिए निकली भर्तियां, 7 पदों पर भर्ती, कल सुबह 7 बजे बगीचा के बगल वाले खेत में पहुंचे इंटरव्यू देने। कहाँ आए बुरमारी? 7 बज गए, कब से फोन लगा रहे हो? फोन लगावा लगे हम 3 बार लगाए तो उनको नहीं समझ में आता कि हम लोग परेशान हैं। खड़े आज नहीं आए पाएंगे इधर। कहाँ ये कागज पाथर लेके कब तक ताकि रहा? फोन लगावा। अरे फोन लगाए तो कहूँ व्यस्त है। अरे यार अभी तक आवा नहीं हुआ, पता नहीं कै बजे आई। कह रहा था अरे साहब 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 खुशी रहा, लेकिन हम चौकीदार आए ना, खराब ना हुआ है। अरे नौकरी ऐसा नहीं मिल रहा। अरे नौकरी ऐसा नहीं मिल रहा। हम फोन लगा रहे हैं कहीं लेट हो जाए। 2 मिनट फोन कर। अरे रुक जा, ऐसा नौकरी नहीं मिल जाती है। या मेयर में काम हम ना चली चले चली घरे। हो गया साहब लॉ फाइल लॉ पिन। भाई साहब 5 बजे से खड़े हैं, बताइए बात की। बस बस 2 मिनट तो कब भलती देख ले कैठे निकली ही। बस हम चालू कर दें काम। इनका भाला ठीक है ना? तो भर्ती स्टार्ट किन जा रही है? सबसे पहले लड़े वाले एक कई हो जाए। लाइन लगा ला इसे। एक काम कर, 20 वाली रात सीधी लाइन के अभी पहला 5 वाली एंडीमेंट लेके आओ। हम खत्म हम लास्ट लगा 20 पंद्रह से ले लेंगे। गुरु भाई देख भी लाए ना बना आईटीआई वाले जो लड़का है मैं ये कहीं आ जाए किनारे आ जाए अलग से लाइन लगा ले। बाकी ये लाइन में PhD BA BCom ले ये वाली लाइन में है ना? हाँ एक सेकंड टेंट है तय कौ कोर्स कहे हम PhD करे हैं। अच्छा काहे में PhD कहे हम गाड़ी दे में PhD करे हैं। तो एक काम कर जा अपने घर में खूब भी है गाड़ी अपने दादी माँ का है ठीक है ना? बतावा का हाल हो ही देश के हैं। गाड़ी दे में PhD करे लगे हैं आजकल। सबसे पहले लड़े वाले हैं कहीं आ जा, जब पढ़े नहीं लड़े हैं मैं ठीक है। सबसे पहले तो का पंचिंग नौकरी दीन जाई ओकर कारण है। कारण साहब किनका पहले नौकरी मिली? हम पंचे पढ़े लिखे तेरे ही आकर आए रहन आईटीआई के हैं मजा का ओकर यह कारण है कि इस सियान आई
ई जीव तोड़ मेहनत करे थे, तू एक दिन उतना मेहनत कही दी है ना, चड्डी महक दी है हमका इसे समझे। भले शहर के अंत पे हम जानी थे कि कितना मेहनत करते है, दूसरा कारण यह है ये सारे के तू पंचे जक्को बक्को कटाई ये में बाल पहने फुलिया बुरमारी के कहे जाके लाइन मारे लग गया 40 बे गुटका खाई है तेम नुकसान के खा होता है हमा ना होई तो हम अपने हिसाब से ना पड़ब होएगा। ठीक है साहब, हमारे गांव में तो खूब पढ़े लिखे का को उठा तक नहीं पूछे, कम से कम अपना रोजगार तो दे रहे हैं, दे कुछ होगा। ठीक है दूसरे नंबर में लगा दीजिएगा। हाँ अब आए हैं लाइन में है होई तो अपना पंजे की नौकरी पक्की हो गई। जी साहब कल सुबह से अपन पंचे को आवे खबर भाई ये जक्को बक्को जूता नहीं पहन के आवे का आज पास जूता रही आयाउर आज से चीज क्यों ध्यान रखे अपन पंचे 4 बजे मुंह पे रहे 4 बजे राशरी खाए 4 बजे तंबाकू खाए पर साल हम दिखे तासो ये गड़बड़ी ना हो चाहिए। हां हां दोबारा गलती ना हो आसम बहुत घाटा है पानी वानी नहीं बरसा आसम लगवाए लेला रोपक पे ओकर आवे के कोनो उम्मीद नहीं है। हां जी साहब। हां तो थोड़ा हमारा बदे के भाई हम लोग का घाटा लाग रहा है। ठीक है ना बिल्कुल नहीं। हां तो ठीक कल से आवे खपन अपन बंचे पक्का समझी नहीं अपन का हम दस्तखत कर दे हम प्लान प्लान चल ए पापा मम्मी भरे आ गई भाई तो जा होई हम आई थे। ए भाई हम कहां के लग जाए हम हेरिया बुलाई थी। आ भाई हमरा मेरिया माइक के बात करे कब कब बुलावा थी लगी जा तू रे किस्मत ठीक है। चलो पहले आईटीआई वाले आबा का नाम है तुम्हारा अड़मुड़ पार। अच्छा कहाँ से आए हैं? अपना की भाषा से। हाँ तो इज्जत हमारे भाषा से आए हैं? नहीं सर गांव के नाम है। अच्छा 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 कौमी तक पढ़े हो? आईटीआई से। अरे कौमी तक 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं। अच्छा अच्छा 14वीं ठीक है डॉक्यूमेंट दिखाओ। कब से लगा रहे हैं रोपा? पहली बार। पहली बार कि पीछे वाला बताया है? नहीं पहली बार। अच्छा तो हम तुमसे कुछ सवाल जवाब करेंगे जी। अगर तुम सही जवाब दे दोगे तभी हम तुमको रखेंगे। ठीक है ठीक है। मान लो हम किसी गुंडे को रख लिए रोपा लगाने में और तुम भी वहाँ पे हो तो तुमसे वो कैसे मांगेगा रोपा लगाने के लिए? मान लो मैं किसी बाहर की नौकरी पे रख लिया और तुम भी वहाँ पे तो वो तुमसे कैसे मांगेगा फसल रोपा लगाने के लिए? सर वो भी उसी तरह करेगा। चलो ठीक है तुम जाओ घर अपने ये लो अपना डॉक्यूमेंट। चलो जल्दी आओ तुम्हारा क्या नाम है? लसर घंटिया। लसर घंटिया आगे यादव हो क्या? हाँ फुलिया उलिया तो लगाए हो यादव हो है ना? कहाँ से हो? सतना। इतनी दूर से आए हो तुम भर्ती के लिए? अच्छा उधर नहीं निकल रही क्या भर्ती? क्यों पानी नहीं बरस रहा उधर? भी एक भी नहीं गिर रहा सर। चलो ठीक करते क्या हो इससे पहले कभी लगाए हो पापा? नहीं लगा। कब काहे आए हो? राय करेंगे। राय नहीं यहाँ पे एकदम ट्रेंड है जे एकदम लगावे में मास्टर डिग्री हासिल कर हो हम उसको रखते हैं। आए गरीब में नहीं। अरे गरीब तो हम भी हैं राशरी खाने को पैसा नहीं है यहाँ पैंट तक नहीं पहनने को। बात तो सही है तुम गरीब हो। क्या तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? हमारे पापा रिक्शा चलावत है रानी तालाब से चिराहुला तक और रात के हम चलाए थे लड़कियन का बिटियन का यो तक पहुँचाए थे। बेटा वो योयो योयो नहीं योयो माने हनी सिंह होता है वो ओयो है ओयो माने टपाटन। फिर भी तुम बहुत मेहनत कर रहे हो मैं मानता हूँ। चलो ठीक है तुमको कितनी सैलरी लोगे? साहब 18 से 20 हजार तो दही दे। 20 हजार ली है कल दिखाए नहीं है दुकान 18 हजार ले ही 18 हजार गुहा उठावे इतना पूछी हमें थे रखे ले लाए तो 18 हजार बता रहे हैं। गरीब की मजबूरी नहीं समझते यार ये लोग बैठे का जगह देंगे तो पहुड़े लाए थे मैं दिमाग खराब सुबह से 8 बजे लेने बैठे बिना खा पिए दो जन का रोजगार मिल जाए 18 हजार भी ले ही नहीं। चलो कोई आगे आओ दूसरा बंदा। क्या नाम है तुम्हारा? खटोरी लाल तेली साहब। अच्छा तेली हो? हाँ जी सर। तेल का धंधा क्या हुआ तुम्हारा? बंद कर दिए सर। क्यों?
नहीं चल रहा था साहब, अब सब हरपाल दास सेठ के यहाँ से लेने लगे ना, तो बंद हो गया, कोई तेला ही नहीं लेता। जमील क्या ऐसा है, एक तो हम कहावत सुने थे बचपन में, हाँ साहब, कि तेली के तेल हो तो का पहाड़ में छुपा रहता है, ये सही है का साहब? वो बुढ़ाने बनाया दीन का पचक फसादीन बने मॉडल बागी ने आखे खात के मेछा का उन्हें काम का वह तेली 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 साहब दई दे नौकरी तो ठीक रहा, कुछ कमा धमा लागी, पढ़े लिखे हैं बताइए, आईटीआई करें का उन्हें काम करेगी हमार जहाँ इट जाऊ है कहीं देते तेली है तो कहे पहाड़ में जावे तेल चुपर है, सबको समझाए 200 रुपया किलो आ है सरसों का तेल। क्या नाम है तुम्हारे गांव का? न्यूरा डायरी साहब। अच्छा न्यूरा डायरी बहुत फेमस नाम है, कैसा लगता है तुमको? गर्व महसूस होता है साहब हमें। अच्छा तो कभी कभी निहुर भी जाते हो? सर जैसे कोई आया अनजान, हाँ। वो नहीं समझता तो फिर कभी कभी निहुर भी जाते हो, निहुरा भी देते साहब, क्या करें। अच्छा चलो बढ़िया है, तो हम तुमसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, अगर मेरे सवाल का तुम सही सही जवाब दे दोगे तो हम तुमको रख लेंगे अपने नौकरी में, रोपा लगाने में। पूछिए ना सर। हाँ, ठीक है जी सर। तो आपके लिए पहला सवाल है ये जी, मान लीजिए मैं किसी गूंगे को रख लिया नौकरी में और तुम भी वहीं पे हो, वहाँ पे तुम मुंशी, तुमसे कैसे मांगेगा वो रोपा लगाने के लिए? वो कैसे मांगेगा? हाँ हाँ सर, वो बोले ए, 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 समझ जाए आप साहब की वो रोपा मांग रहा है, जाके दे बाबू का। चलो ठीक है, दूसरा सवाल ये है तुम्हारे लिए, मान लो मैं किसी बहरे को रख लिया तो वो कैसे तुमसे रोपा लगाने के लिए मांगेगा? वो भी सर सेम मांगेगा। कैसे? ए, 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 समझ जाऊंगा साहब, क्योंकि जब तक सुना ही नहीं तो बोलेगा कैसे। हाँ, हाँ, इधर आओ। वो बहरा है, गूंगा नहीं, वो बोल सकता है कि ये तुम्हारा नाम क्या है? खटोली लाल। ए खटोलिया, हमको रोपा लगने लगावे खाए, तो बोल नहीं सका हुआ? हाँ साहब बोल ही सकता, तेरे होएगा तो बोल नहीं तो दाई देव ना। नहीं बेटा तुम निकल गए इंटरव्यू से यार। नहीं साहब ये मैं ना करी, गरीब आदमी है साहब, गरीब आदमी साहब ये मैं ना करी, हमारे दूसरे लड़का है माँ भूखे मर यही, हमारे तो 5-7 थे हैं, तब का करी हम, वो ना बताइए अपना कम जानी भौजी वाले यही। मेहनत तो हमारे लगी ना, ठीक है ना साहब, काम कहीं ला पाना कि ना हो गई, एक काम करें जी सर, जा जाओ तुम्हारे मुंशी से ले ली है, मिल ली है, ठीक है ना, वो बता देता हूँ, वो बर्दाश्त लेने का है, आवा तो उससे मिल लिया, थोड़ा मुझे समझा देगा, ठीक है साहब, के लिए गरीब आदमी है साहब, अपना मुमकिन बना दे कहें तक आए। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है जाओ, सिग्नेचर कह दी साहब तो दिक्कत ना हुई, ठीक है तुम जाओ कल सुबह से आ जाना, ठीक सर, और मुंशी से जाते जाते मिल लेना, ठीक है ना, ठीक सर धन्यवाद। हाँ ठीक, तो हेलो दोस्तों, अब आपके शहर में स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग सर्विस, तो जल्दी जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए पास गो ऐप, इसमें आपको 500 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा और रेफर करने पर 100 रुपए मिलेंगे, तो जल्दी जाइए पास गो ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, अपनी राइड बुक कीजिए, वो भी सिर्फ 12 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से। जेका जेका सिलेक्शन होएगा है तो कल से आवे है जी सर, देखा ये रोपा लगाओ छोट मोट बात ना, काम कौन मिले, देश में इतनी बेरोजगारी तो रोपा में दुई पैसा मिल रहा तो बहुत है, ठीक है जी सर, तो कल सुबह आवे है अपन बन के सब काम खेते में जी सर, आपके जवान लेकर मिल गया ना जी सर, हाँ ठीक है कल से।